हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि गर्मियां तो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हम किचन में जाएं और गैस जला करके हम कुछ बनाएं, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठंडा ठंडा शरबत, वो भी बिना गैस जलाए। हम बनाएंगे पान और गुलकंद का शरबत, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ पान के पत्ते 7-8, ये एकदम फ्रेश पान के पत्ते हैं। पिसी हुई चीनी ली है 1 कप। साथ ही हम ले रहे हैं आधा कप गुलकंद। गुलकंद आपको किसी भी पान स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये पतंजलि का गुलकंद। और इसी के साथ हमने लिया है 2 टेबलस्पून सौंफ। सौंफ को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख दिया था। और 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। और 1 पिंच हम ले रहे हैं ग्रीन फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले पान के पत्ते ले लेते हैं, और पान के पत्तों में से ये जो पीछे डंडियाँ होती हैं हमें इन्हें निकाल करके अलग कर देना है। ये जो पान ड्रिंक है एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, और पान तो वैसे ही बड़ी ताजगी देते हैं, तो अगर आप इसे पानी या दूध के साथ मिला करके पियेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होगा। और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि हम इसको बिना गैस जलाए बना रहे हैं। ये 7 से 8 पान के पत्ते हैं, और सब पान के पत्ते में से मैंने डंडियों को अलग कर दिया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, और मिक्सी जार में हम ये पत्ते डाल देंगे। इनको हम हाथ से छोटा छोटा काट लेंगे, और उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं। जब भी आप पान के पत्ते दुकान से लेकर के आते हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप इसे गीले कपड़े में लपेट करके फ्रिज में रख दीजिए, तो इससे आपके पान के पत्ते फ्रेश रहेंगे। पान का जो एसेंस और फ्लेवर होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ताजगी देने वाला होता है। सारे पान के पत्ते मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं, और अब हम इसी के साथ डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून सौंफ, जो हमने ऑलरेडी पानी में भिगो करके रखी हुई थी। सौंफ में से पानी को अलग नहीं करना है, मैं पानी समेत ही सौंफ डाल रही हूँ, तो इसलिए आप जब भी सौंफ को भिगोएं तो एकदम साफ पानी में ही भिगोएं। साथ ही डाल देते हैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और इसके साथ हम आधा कप गुलकंद लिया था, हम वो भी मिक्सी जार में डाल देते हैं। हमें सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड करना है। अगर आपको लगता है कि पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बढ़िया सी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि ये हरे धनिए की चटनी है, पर ये हमने पान और गुलकंद से बनाई है। अभी इस चटनी का जो फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि पान का फ्लेवर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे छान लेना है। हूँ एक बॉल, और बॉल के ऊपर हम रखेंगे एक कॉटन का कपड़ा। आप कोई भी साफ कॉटन का कपड़ा या एक हैंकी ले सकते हैं, और उसमें ये जो सारी चटनी हमने बनाई थी ये हम इसमें डाल देते हैं कुछ इस तरह से। और मिक्सी जार में हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और वापस से हम इसी के ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के लिए हम कुछ इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और इसे टाइट हाथों से निचोड़ेंगे। जो भी पानी होगा वो सब नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो पार्टिकल्स बचेंगे उसका कोई यूज़ नहीं है, हम उसे फेंक देंगे। तो ये देखिए, मैंने सारा का सारा जितना भी पानी था वो सब छान लिया है, और ये हमारे पास पान और गुलकंद का सिरप हमें मिल चुका है। अब हमको इसमें करना क्या है, जो हमने 1 कप पिसी हुई चीनी ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो साबुत चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसे घोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें चीनी मिक्स कर रही हूँ, और साथ साथ इसको घोलते भी जाएंगे। तो बिना गैस जलाए हमारा पान सिरप एकदम रेडी है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसे 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग पीने का, तो आप इसे फ्रिज से निकालिए, 3-4 टेबलस्पून एक गिलास में डालिए, और ऊपर से डालिए ठंडा पानी या फिर ठंडा ठंडा दूध। शरबत रेडी हो जाएगा। अब मैं इसका कलर एनहांस करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डालूंगी फूड कलर, ग्रीन कलर का फूड कलर है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल नेचुरल रख सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी आपको कलर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक कांच का जार ले लूँगी, और उसमें ये सारा सिरप जो है मैं फिल कर देती हूँ, ताकि हम इसे स्टोर कर सकें।
तो ये मैंने सारा सिरप एक कांच के जार में फिल कर दिया है। आप इसे 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इससे शरबत कैसे बनाएंगे। ये मैंने 2 ग्लासेस ले लिए हैं, इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून पान सिरप डाल देती हूँ। अगर आपको इस स्टेज पर मीठा थोड़ा कम लगता है तो आप यहाँ पर मीठे की क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे हम 1 गिलास में ठंडा पानी और दूसरे गिलास में हम डालेंगे 1 गिलास ठंडा दूध। तो आपको जैसे भी अच्छा लगता हो, पानी के साथ अच्छा लगता हो तो आप इसे पानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपको दूध के साथ पीना है तो आप इसे दूध के साथ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पान शरबत की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।